नोट हो गया? अब इस क्वेश्चन के सामने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सेकंड पॉइंट में इस क्वेश्चन के क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये कोई प्राइम प्रिंसिप है, इस पर चार प्लस की क्या है, इसके कारण आपका इंटेंसिटी क्या मिलेगा, सिग्मा पा टू एक्स है, इधर क्या मिलेगा, सिग्मा पा टू एक्स है। और सेकंड, ये इंफ्राइम प्रिंसिप है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम रहा, दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या माना, सेम। अब पूछ रहा है पॉइंट बी पर, क्यू पर और पॉइंट पी क्यू आर, यहाँ तो सिग्मा अपन टू एफ है, ठीक है, तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अवे होती है, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, टू अवे होती है, तो इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी, क्या मिलेगा, ई वन, इसके कारण इस पॉइंट पे इधर जाएगी, क्या मिलेगा, ई टू, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू आवर इनफाइनाइट प्लेन शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड, या यस एंड वाई, या यस एंड वाई, दैट्स व्हाई वो हमने किया, ठीक है, दोनों प्लेनों के कारण पी पॉइंट पे इंटेंसिटी देखा, क्या मिलेगा, एक प्लेन के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला सिग्मा पर टू एप्सिलॉन नॉट में होता है कि नहीं होता है, होता कि नहीं होता, होता, यहाँ लिखा हमने ई वन प्लस ई टू, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों सेम रहते हैं, दोनों नोट हो गया।
सेम चार बट अपोजिट इनर यस या हो गया माइनस क्या हो गया माइनस यहां पर क्या है प्लस यहां पर क्या है प्लस वन सिक पर यानी x एक्स वाले सिक पर चार पॉजिटिव है और y वाले सिक पर चार नेगेटिव है सेम मैग्नीट्यूड पर अपोजिट इनर यस हमने चार दिया क्या दिया चार अब पॉइंट सी लिया पॉइंट क्यू लिया पॉइंट आ गया तो पॉइंट बी पर इस सीधे का किधर जाएगी सीधा पॉइंट सेवन के कारण डिस्टिक टूवर्स होगी बलंदा इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन इफी इस पर क्या मिलेगा जीरो नहीं समझ पाया नहीं आया नहीं आया Thank you.